हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हम आज करेंगे पार्ट नंबर 17, जिसका नाम है बसंती हवा। ये बच्चों एक कविता है जिसमें बसंती हवा के स्वभाव के बारे में बताया है, उसके अत्यंत खूबसूरती का वर्णन किया गया है कि बसंती हवा कैसे, जो हवा है कैसी है वो, और वो किस किस काम आती है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसका स्वभाव कैसा है। तो शुरू करते हैं बच्चों, ये कविता ध्यान से सुननी है। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। तो इसमें हवा बोल रही है, हवा कह रही है, हवा हूँ मैं, हवा हूँ बसंती हवा हूँ। तो इसने जो बसंत ऋतु की जो मस्त हवा है, उसने अपने आप को बसंती हवा का नाम दिया है कि मैं बसंती हवा हूँ, मस्त हवा हूँ। सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। अनोखी होता है बच्चों निराली, विचित्र। ठीक है, अनोखी होता है निराली, विचित्र, अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त बोला, नहीं कुछ खबर है, बड़ी बहुत ही निडर हूँ। बावली होता है पगली, मस्त मोला होता है जो बेफिक्र होता है, जो किसी को किसी की फिक्र नहीं होती, बेफिक्री होना, ना किसी की खबर है मुझे, निडर होता है बिना किसी के डर के, बिना किसी के डर के। ठीक है, जो हवा कहती है कि मैं मस्त हूँ, मैं बसंती हवा हूँ, मैं पागली हूँ, थोड़ी पगली हूँ, थोड़ी मस्त मोला हूँ, मैं अपनी मस्ती में ही रहती हूँ, मुझे किसी की फिक्र नहीं है और ना ही मैं किसी से डरती हूँ, मैं निडर होकर इधर उधर हवा में हवा घूमती रहती हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है और मैं बेफिक्री हूँ। आगे, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। जिधर चाहती, जिधर मेरा मन करता है मैं उधर जाती हूँ, उधर घूमती हूँ, हवा हूँ मैं, बसंती हवा हूँ मैं, हवा हूँ और बसंत ऋतु की मस्त हवा हूँ, बसंत ऋतु की मस्त हवा हूँ। मुसाफिर अजब हूँ, ना घर बार मेरा, ना उद्देश्य मेरा, ना इच्छा किसी की। मुसाफिर अजब हूँ, मुसाफिर होता है यात्री, मैं यात्री अजब हूँ, अजब अजीब हूँ, मेरा कोई घर बार नहीं है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं हूँ नहीं है, ना इच्छा किसी की, मैं अपनी इच्छा से ही इधर उधर घूमती रहती हूँ, मुझे किसी का भी डर नहीं है, मैं अजब अजब अजीब यात्री हूँ, मुसाफिर हूँ। आगे, अब ना अपना किसी का, ना प्रेमी ना दुश्मन, जिधर चाहती उधर घूमती हूँ, हवा हूँ मैं, हवा मैं, बसंती हवा हूँ। वो कह रहे हैं कि ना आशा किसी की, ना मैं किसी की आशा हूँ, ना किसी का किसी की प्रेमी हूँ, ना किसी की दुश्मन हूँ, जिधर जाती हूँ उधर घूमती हूँ, मेरा कोई नहीं है और मैं बसंती हवा हूँ, बसंत ऋतु की मस्त हवा हूँ। जहाँ से चली मैं, जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निजन, हरे खेत पोखर, पोखर होता है तालाब। हवा कहती है जहाँ से चली, जहाँ से चली मैं, जहाँ को गई मैं, जहाँ से चली जिधर को गई मैं, शहर गांव बस्ती, हर शहर गांव बस्ती में, नदियों में, रेत में, रेत में, खेतों में, पोखर में, तालाबों में, हर जगह मैं जहाँ चाहती हूँ वहाँ पे घूमती हूँ। आगे, जुलाती चली मैं, झूमाती चली मैं, हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। झूलती चलती हूँ, झूमती हुई चलती हूँ, मैं हवा हूँ, बसंत ऋतु की मस्त हवा हूँ। हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं,
हंसे लहलाते भरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी। बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, हवा हूँ मैं हवा में। तो इसमें कवि कवि कह रहे हैं कि मैं मस्त हवा हूँ, मैं चमचमाती धूप में भरी लहराती हुई हंसती हुई सारे खेतों में घूमती हुई बसंती हवा, मस्त हवा हूँ मैं। हंसी सृष्टि सारी और सारी हवा, सारा संसार है सृष्टि जो हंसती है, हवा हूँ मैं हवा हूँ मैं इस बसंत ऋतु की मस्त हवा हूँ। और इसके जो कवि हैं वो कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल द्वारा ये कविता लिखी गई है। तो बच्चों अब हम इसके शब्दार्थ करते हैं। बसंती हवा, बसंती हवा का अर्थ है बसंत ऋतु की मस्त हवा। बावली, बावली का अर्थ है पगली। नीडर का अर्थ है निर्भय निर्भीक। पोखर का अर्थ है पानी का खड्डा। अनोखी निराली विचित्र। मस्तमोला का अर्थ है जो बेफिक्र हो। उद्देश्य का अर्थ है लक्ष्य। मुसाफिर का अर्थ है यात्री। ठीक है, अब बच्चों अभ्यास करते हैं। श्रवण कौशल में है शुतलेख, मस्तमोला, उद्देश्य, निर्जन, सृष्टि। वाचन कौशल, वाचन कौशल का अर्थ, वाचन कौशल में प्रश्न उत्तर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताओ। हवा ने अपना परिचय किन विशेषणों द्वारा दिया है? शुरू के चार विशेषण बताइए। तो बच्चों हमने कविता पढ़ी है, हवा ने अपनी चार विशेषण बताए हैं कि बसंती हवा जो अनोखी है, बावली है, मस्तमोला है और नीडर है, ये उसने अपने चार विशेषण बताए हैं। आगे ख प्रश्न है, कविता को याद करके सुनाइए। कविता को बच्चों आपने इसको याद करना है अच्छे से और इसको फिर सुनाना है। विलेखन कौशल के प्रश्न उत्तर है यहाँ पे, बसंती हवा कहाँ कहाँ घूमती है? बसंती हवा गांव में, शहर में, बस्तियों में, नदी में, रेत में और तालाब में, हरे 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 भरे खेतों में, हर जगह पर घूमती है। हवा ने खुद को मुसाफिर अजब किस संदर्भ में कहा है? तो हवा ने कहा है कि वो मुसाफिर मुसाफिर अजब है उसका, क्योंकि कोई घर बार नहीं है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए उसने अपने आप को मुसाफिर अजब कहा है। घ है खेत और पोखर हवा में किस प्रकार झूलते हैं? जो खेत और पोखर हैं वो हवा में किस प्रकार झूलते हैं? वो हवा खेत और पोखरों में से हंसती हुई खिलखिलाती हुई सारी दिशाओं में हंसते हुए सारी जगह पे झूलते हुए निकल जाती है। बसंती हवा सबको प्रिय क्यों लगती है? क्योंकि बसंती हवा चमचमाती धूप में भी सबको, सारी सृष्टि को बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि वो हंसते हुए सारी दिशाओं में घूम जाती है, लहला जाती है। आगे है कविता की निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। हमने नीचे लिख के जो पहला एक दिया है उसका हमने अर्थ लिखना है। नहीं कुछ खबर है बहड़ी ही निडर हूँ। नहीं कुछ खबर है मतलब इसमें कविता में हवा ने कहा है कि मुझे किसी की भी कोई खबर नहीं होती, मैं बहुत निडर हूँ, मुझे किसी का भी डर नहीं है। आगे है ब, हंसी जोर से मैं हंसी सब दिशाएं। तो इसमें इसने कभी कहा कह रही है कि मैं जोर से मैं हंसती हूँ और जिससे सारी हवाएं सारी दिशाएं हंसती हैं। अगर मैं जोर से हवा झूमती हुई जाती हूँ तो सारी दिशाएं भी झूमती हैं, वो भी हंसती हैं। प्रश्न नंबर दो है आगे, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। हवा ने खुद को कैसे बताया है? मस्तमोला। हवा के हंसने पर कौन हंसता है? खेत। आगे प्रश्न नंबर ग है, हवा ने कहा मैं कैसे हूँ? मुसाफिर अजब हूँ। कैसा कहा है? मुसाफिर अजब हूँ। भी बच्चों आगे भाषा कौशल दिया है, भाषा कौशल में द्वितीय व्यंजन, जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन दो बार आए तो उसे द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। इसमें पहला व्यंजन अरहित या हलंत युक्त आता है, जैसे बच्चा, जैसे च च दो व्यंजन इकट्ठे आए हैं तो इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय व्यंजन। ठीक है, छुट्टी
पक्का आदि। और इसमें जो पहला व्यंजन होता है वो अरहित होता है, उसमें अ नहीं होता। ठीक है, फिर आगे प्रश्न नंबर दो दिया है बच्चों, इसमें क्या है, दो दो पर्यायवाची लिखो। इनके दो दो पर्यायवाची लिखने हैं हमने, जैसे वायु पर्यायवाची क्या होता है, उनके अलग से नाम, जो हवा को और भी बोलते हैं, जैसे वायु है, वायु को और क्या क्या बोलते हैं इसको, हवा और पवन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हवा और पवन। अनोखा का क्या लिखेंगे, निराला और अनुपम। नीडर का क्या होता है पर्यायवाची शब्द, निर्भय और बेखौफ। तालाब का अर्थ है सरोवर या ताल। प्रश्न नंबर तीन है, कविता में संज्ञा विशेषण शब्द छांटकर अलग अलग लिखने हैं। बच्चों संज्ञा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का नाम होता है, और विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। तो इस कविता में बहुत सारे ऐसे संज्ञा और शब्द विशेषण आए हैं, जैसे हवा, बसंती, मुसाफिर, खेत, प्रेमी, दुश्मन, धूप, ये सारे क्या है, संज्ञा है। और विशेषण शब्द कौन से हैं इसमें, बावली, मस्त, मोला, नीडर, अनोखी, देशीय, इच्छा, हरे, ये सारे क्या है, विशेषण है। फिर है विलोम शब्द। प्रश्न नंबर चार में विलोम शब्द लिखने हैं हमने, अनिच्छा। विलोम शब्द क्या होते हैं, उल्टे शब्द होते हैं, जैसे अनिच्छा, अनिच्छा का उल्टा शब्द क्या आएगा, इच्छा। उद्देश्य, उद्देश्य का उल्टा शब्द, विलोम शब्द क्या आएगा, निरुद्देश्य। निराशा का क्या आएगा, आशा। दुश्मन का विलोम शब्द क्या आएगा, मित्र। ठीक है, तो बच्चों आपने ये पाठ नंबर 16 का, जो पाठ नंबर 17 है, सॉरी पाठ नंबर 17 की कविता बहुत अच्छे से आपने पढ़नी है, इसके अर्थ भी समझने हैं, और इसको अपनी कॉपी में भी लिखने हैं इसके प्रश्न उत्तर, और इनको याद भी करना है। आपने अपनी हिंदी की कॉपी में पाठ नंबर 17 के ये वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर हैं, ये आपने लिखने हैं और इनको अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, ये मैंने अभी प्रश्न उत्तर आपको करवाए हैं, ये वाचन कौशल के प्रश्न दोनों करने हैं, आपने कविता को याद भी करना है, और जो लेखन कौशल के हैं प्रश्न नंबर क करना है, बाकी हम बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।